ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। मनुष्य के दो रूप हैं, एक अन्नमय पुरुष कहा जाता है, सात धातु का पुतला, सप्त धातु से बना हुआ मनुष्य, और दूसरा पक्ष है कि पांच तत्वों से बना हुआ पक पुरुष। यह सारा भौतिक स्वरूप औद्गलिक स्वरूप है शरीर। मनुष्य का एक और पक्ष है, वह है चैतन्य पुरुष, चैत्य पुरुष, अरविंद की भाषा में चैत्य पुरुष, जो दूसरा पक्ष है। हम सात धातुओं को खोजें, पांच तत्वों को खोजें, वहां जो नहीं मिलता वह चैत्य में मिलता है, और उसके भी तीन रूप बन जाते हैं, ज्ञान, आनंद और शक्ति। पहली बात है ज्ञान। अज्ञान से तो कुछ भी नहीं होता, सारा विकास ज्ञान के कारण हुआ है। जो जानता ही नहीं, अज्ञानी है, वह क्या कर पाएगा। महावीर वाणी का सुंदर सूक्त है, इतना सा अज्ञानी किं काहि, अज्ञानी क्या करेगा, अज्ञानी किं करिष्यति, अज्ञानी क्या करेगा, अज्ञानी को कुछ पता ही नहीं चलता। अज्ञानी विरोधाभास का जीवन भी जीता है और असफल जीवन भी जीता है। मालिक ने लालटेन जगाई और नौकर खड़ा था सामने, उसने देखा और बोला, मालिक लालटेन क्यों जगाई, जलाई क्यों, जरूरत नहीं थी। मालिक ने कहा, मैंने इसलिए जलाई कि तूने अभी लालटेन बुझाई या नहीं बुझाई, पहले आदेश दिया था कि लालटेन बुझा देना, और तूने मेरे आदेश का पालन किया या नहीं किया, लालटेन बुझाई या नहीं बुझाई, यह देखने के लिए मैंने लालटेन जलाई। यह विरोधाभास या विसंगति, क्या लालटेन को देखने के लिए किसी लालटेन को जलाने की जरूरत होती है क्या, क्या सूरज को देखने के लिए किसी प्रकाश की जरूरत होती है। ऐसा ही एक प्रसंग है कि मालिक ने नौकर से कहा कि जाओ देखो सूरज उगा या नहीं उगा। नौकर गया, वापस आया कि मालिक अभी तो अंधेरा बहुत है, पता नहीं चलता। मालिक बोला कि मेरे घर में कमी है क्या, दिया ले जाओ और देख लो सूरज उगा या नहीं उगा। तो क्या सूरज को देखने के लिए भी किसी दिए की जरूरत होती है। पर अज्ञान में यह सब कुछ होता है। जब ज्ञान साक्षात स्पष्ट नहीं होता तब इस प्रकार की चिंतन की धाराएं होती हैं और इस प्रकार की घटनाएं भी होती है। तो एक जीवन का बड़ा पक्ष है, चेतना का पक्ष, जो उसका रूप है ज्ञान, ज्ञान का पक्ष, अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान का विकास। दूसरा है आनंद, एक ज्ञान पक्ष,
दूसरा भाव पक्ष है, भाव पक्ष में आनंद व जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आनंद होता है। आनंद की परिभाषा भी समझना है, एक आंतरिक संपदा, आंतरिक वैभव। संस्कृत का धातु है टू नदी समृद्ध, एक समृद्धि जो नंदी, आनंद, नंदन, नंदन भी ऐसे ही होता है। तो एक आंतरिक समृद्धि, यानी इतना आदमी समृद्ध है कभी दुख का अनुभव नहीं करता। दुख और सुख ये दो शब्द बहुत प्रचलित है, इनके साथ दो शब्दों को और समझना है, दुखानुबंध और सुखानुबंध। एक दुख है और एक दुखानुबंध, यानी एक बार दुख होता है उसकी परंपरा चलती है वह दुखानुबंध, एक बार सुख होता है और उसकी परंपरा चलती है वह है सुखानुबंध। सुख और दुख अल्पकालिक, एक समय के लिए होते हैं, कुछ समय के बाद दुख का संवेदन भी समाप्त हो जाता है और सुख का संवेदन भी समाप्त हो जाता है, किंतु दुखानुबंध है वह दीर्घकालिक होता है, उसकी परंपरा चलती रहती है। सुखानुबंध में सुख की परंपरा चलती रहती है, सुख दुख की अपेक्षा दुखानुबंध और सुखानुबंध पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो एक ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार जिससे क्षण भर तो सुख मिलता है, तो समाप्त, दूसरे क्षण समाप्त, किंतु एक ऐसा कि सुख का अनुभव हुआ और फिर भविष्य में भी उसका अनुभव होता रहेगा, वह आचरण एक धार्मिक आचरण या उन्नत आचरण होता है। और आदमी ऐसा कोई काम करता है कि दुख हुआ समाप्त हो गया किंतु दुख का अनुबंध बराबर चलता रहता है। एक प्रश्न हुआ था कि एक आदमी को देखते हैं और उसके प्रति एक अनुराग पैदा होता है, एक आदमी को देखते हैं तो उसके प्रति द्वेष की भावना पैदा होती है या प्रियता की और अप्रियता की भावना पैदा होती है, एक अच्छा लगता है एक उतना अच्छा नहीं लगता, इसका कारण क्या है? कर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न, पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ प्रश्न, और कारण खोजना है तो हमें कर्म और पुनर्जन्म की दिशा में जाना होगा कि क्यों होता है। आचार्य भिक्षु ने बहुत सुंदर लिखा इस विषय में, शत्रु शु शत्रुपणो चालियो जावे, मित्र शु मित्रपणो चाले। राजस्थानी के छोटे से पद्य में एक बहुत बड़े दार्शनिक प्रश्न का समाधान दिया कि किसी व्यक्ति के साथ शत्रुता का अनुबंध हो गया, एक तो तात्कालिक किसी को शत्रु माना, एक इतना सघन प्रयोग, ये अनुबंध होता है सघन चेतना की सघन अवस्था में, जब इतना सघन संबंध जुड़ गया तो वह शत्रुता का अनुबंध जन्मों तक चलता रहता है, एक जन्म नहीं न जाने कितने जन्मों तक वह परंपरा चलती रहती है। और जिस व्यक्ति के साथ पूर्व जन्म में कोई शत्रुता का संबंध जुड़ा और वर्तमान जीवन में उस व्यक्ति को वह देखता है, देखते ही अप्रियता का भाव पैदा हो जाता है। उस व्यक्ति ने अभी कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं अनिष्ट किया, किंतु यह अनुबंध, अनुबंध चलता है, अनंत अनुबंध कहते हैं, अनंत समय तक चलने वाला कसाई का आवेश, यह दीर्घकाल का अनुबंध है, लंबे समय तक चलता है, 5 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 100 जन्म तक चलता रहता है।
कांटा चुभा और भगवान बुद्ध ने उसका उत्तर दिया कि मैंने किया था इसलिए मेरा पैर कांटे से बिद्ध हो गया। अब कांटे चुभने को भी अतीत में खोजा, कर्म में खोजा और पूर्व जन्म में खोजा। आजकल तो हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, हर घटना की जो समीक्षा करते हैं केवल वर्तमान के आधार पर करते हैं, अतीत को बिल्कुल जैसे इग्नोर कर दिया। अतीत का भी बहुत गहरा संबंध है कि अतीत में क्या किया था और उसका यह परिणाम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक सूत्र है, एक समाधान है जो आचार्य भिक्षु ने दिया कि किसी व्यक्ति के साथ मित्रता का संबंध रहा, प्रियता का संबंध रहा, पिछले जन्म में रहा और वर्तमान में वह व्यक्ति जब सामने आता है तो उसके प्रति सहज ही एक अनुराग पैदा हो जाता है। शत्रुषु शत्रुपणो चाले, मित्रषु मित्रपणो चाले, मतलब दोनों के साथ चलता है। तो हमें अनुबंध की बात पर ध्यान देना है कि एक सामान्य आचरण जो किया और बात समाप्त, और एक ऐसा आचरण कि जो समाप्त नहीं होता स्वल्प काल में किंतु दीर्घ काल तक जिसका परिणाम चलता रहता है। यह हमारे आचार शास्त्र का भी एक मुख्य विषय है और प्रेक्षा ध्यान का भी मुख्य विषय है, इस पर ध्यान देना। शरीर में बीमारी पैदा हुई, दवा ली, समाप्त हो गई। अब एक ऐसी बीमारी है जो समाप्त नहीं होती है। आजकल माना जाता है कि कैंसर की बीमारी बड़ी जटिल है, समाप्त नहीं होती, एड्स की बीमारी बड़ी जटिल है, आदि आदि कुछ भयंकर बीमारियां मानी जाती है कि समाप्त नहीं होती। इसका कारण हमें ये अनुबंध हमें खोजना चाहिए, इस परंपरा में खोजना चाहिए कि क्यों है, और स्थूल में नहीं सूक्ष्म में जाकर खोजना चाहिए। शरीर हमारा स्थूल है, मन उसकी अपेक्षा सूक्ष्म है पर वह भी स्थूल है। सूक्ष्म है हमारा भाव, हमें कारण और निवारण दोनों भाव जगत में खोजने चाहिए, जो प्रेक्षा ध्यान का मुख्य विषय है। व्याधि आदि उपाधि, उपाधि तक पहुंचो, केवल व्याधि में मत अटको, केवल शरीर की बीमारी हो गई उसमें मत अटको, केवल मन की बीमारी में मत अटको, उपाधि तक यानी भाव की बीमारी तक पहुंचो। एक बहुत सुंदर श्लोक है संस्कृत का, ये ईशु पर वित्तेषु तस्य व्याधि रनंतक है। जिस व्यक्ति के मन में एक दूसरे के धन के प्रति लालसा होती है, या जो व्यक्ति अहंकार से बहुत पीड़ित होता है, हमेशा सत्कार सम्मान चाहता है, तस्य व्याधि रनंतक है, उसकी व्याधि है अनंत हो जाती है, उसका अंत पाना बड़ा कठिन होता है। हम खोज सकते हैं कि ये जो बड़ी बीमारियां हैं जिनको आजकल साइकोसोमेटिक बीमारियां कहा जाता है, ये सारी ये शरीर की बीमारियां नहीं है, ये भाव जगत की बीमारियां हैं, भाव से होने वाली बीमारियां हैं, और इनका अंत पाना बड़ा मुश्किल होता है। व्याधि जो अनंत हो जाती है, जिसका अंत पाना मुश्किल है, उसका मूल उद्गम स्थल शायद शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है। और ये बात मेडिकल साइंस में बहुत स्पष्ट हो गई, इसलिए एक नया शब्द गढ़ा गया कि ये सोमेटिक नहीं है, साइकोसोमेटिक। ये
शरीर की बीमारी नहीं, ये मनोकायिक बीमारी है। और आज शायद बड़ी बड़ी बीमारियां ये मनोकायिक बीमारियां हैं। तो जब मनोकायिक बीमारियों का दौर चल रहा है, उस स्थिति में प्रेक्षा ध्यान की बड़ी उपयोगिता हो जाती है। उसे समझना होता है कि इस बीमारी का उद्गम क्या है। जब तक ठीक निदान नहीं, डायग्नोसिस नहीं होता, डॉक्टर दवा नहीं देता। आजकल तो ये बड़ी बीमारी हो गई, यह एक डॉक्टर की भी बीमारी है। पुराने वैद्य तो जब नाड़ी देखते और दवा लिख देते, आजकल तो कोई डॉक्टर नाड़ी के आधार पर दवा नहीं लिखता। पहले टेस्ट, बस टेस्ट करो, और टेस्ट भी इतना जटिल हो गया कि टेस्ट का भी टेस्ट होने लग गए। एक बार आचार्य श्री तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे, एक व्यक्ति आया, बड़ा रोबदार व्यक्ति था और सेना का बड़ा अधिकारी था और लग रहा था सैनिक आदमी। बैठा, बोला कि आचार्य जी, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आज साक्षात दर्शन कर रहा हूँ, मेरी एक समस्या आप समाधान दें। आचार्य बनने का क्या है समस्या? तो बोला कि मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, चिकित्सा कराने के लिए गांव से यहाँ आया और 40,000 रुपया लेकर आया था। तो डॉक्टरों से मिला और डॉक्टर ने कहा ये टेस्ट का सारा पन्ना लिख दिया, और मैं कहीं क्लिनिक में गया, कहीं कुछ कराया टेस्ट, तो वे 40,000 रुपये तो टेस्ट में पूरे हो गए, अब मैं चिकित्सा किससे करूं? जटिल हो रहा है ये टेस्ट का काम, पर मैं मानता हूं कि यह जरूरी भी होता है। चाहे इस पैसे की बात को और चिकित्सा की बात को छोड़ दें, पर जब तक टेस्ट न हो जाए, निदान न हो जाए, तब तक बीमारी का समाधान नहीं हो सकता, बीमारी को नहीं मिटाया जा सकता। जरूरी है हम पहले ध्यान समस्या के मूल स्रोत पर दें, उद्गम पर दें कि समस्या कहाँ से पैदा हो रही है। बहुत बार शरीर की समस्या मान लेते हैं और वह शरीर की नहीं होती। बहुत बार मन की समस्या मान लेते हैं पर मन की नहीं होती। हमारे जीवन में जो समस्या का उद्गम है, जहाँ से समस्या मन पर आ रही है, शरीर पर आ रही है, वह है हमारा भाव तंत्र, हमारी भावधारा। और वह भाव तंत्र जो मन का भी संचालन करता है और शरीर का भी संचालन करता है। मन को कौन चला रहा है? मन में इतने विचार क्यों आ रहे हैं? क्या केवल बाहर के कारण आ रहे हैं, परिस्थिति के कारण आ रहे हैं? आप एक घंटा आंख मूंद कर एकांत में बिल्कुल बैठ जाए, वहां सामने कोई परिस्थिति नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, फिर भी विचारों का दौर चलता है। क्यों? कि चलाने वाले के पास इतना बड़ा भंडार है भाव के पास, कि वहां से वे स्पंदन आते हैं और मन प्रकंपित होता रहता है, मन चलता रहता है। जब तक हम भाव तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं करेंगे, न धर्म की बात समझ में आएगी और न अधर्म की बात समझ में आएगी, न कोई अधर्म का निदान होगा, न कोई शरीर की व्याधि का निदान होगा और न कोई मन की समस्या का निदान होगा। हमें निदान करना है तो भाव तंत्र तक पहुंचना है, और चिकित्सा करनी है तो भी वहां तक पहुंचना होगा। दोनों वहां होते हैं, इसलिए हमें उपाधि पर अधिक ध्यान देना है और वहीं से यह अनुबंध होता है। एक आदमी चल रहा है, चाहे साधु है चाहे गृहस्थ है, पैर से एक कीड़ा मर गया, चींटी मर गई, हिंसा तो हुई पर यह हिंसानुबंधी हिंसा नहीं, वेरानुबंधी वेर नहीं है। हिंसा हुई और उसका थोड़ा सा बंद हुआ और वह समाप्ति भी थोड़ी सी क्रिया में हो जाता है। और एक
जो क्लिष्ट परिणामों से होता है, क्लिष्ट भावों से होता है, संक्लेश क्लेश, महर्षि पतंजलि जिसे क्लेश कहा गया, क्लेश जैन परिभाषा में संक्लिष्ट परिणाम, संक्लिष्ट भाव, बात एक ही है। जो क्लेश पूर्ण भाव धारा और परिणाम से जो होता है वह अनंतानुबंधी यानी दीर्घकालानुबंधी होता है। तो इसलिए मूल बात वहीं पर आती है कि हमें भाव पर अधिक जागरूक रहना है। सुखानुबंध और दुखानुबंध इसको समझना है, और उससे परे जो है आनंद, आनंद यह सुखानुबंध दुखानुबंध दोनों से परे की बात है। आनंद जिसमें संवेदन नहीं होता, अनुभूति होती, अनुभव होता है, और वह पदार्थ निरपेक्ष होता है। सुख तो पदार्थ सापेक्ष है, आनंद पदार्थ निरपेक्ष होता है, और वह आंतरिक रसायनों के कारण या आंतरिक परिणतियों के कारण होने वाला है। उसमें किसी पदार्थ की जरूरत नहीं रहती। एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है और इतने आनंद का अनुभव कर रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है पर हो रहा है, क्यों? कि वह भीतर से आ रहा है, वह हमारे स्वभाव से आ रहा है। स्वभाव आनंद हमारा स्वभाव है। हम समृद्ध है, हम कोई गरीब नहीं है, वैभवशाली है कोई भिखारी नहीं है। हमारे भीतर आनंद का स्रोत है, बहुत आनंद है, पर जब तक वह स्रोत पकड़ में नहीं आता तब तक आदमी कभी सुख और कभी दुख के चक्कर में चक्कर लगाता रहता है। और जब आनंद का स्रोत पकड़ में आ जाए तो फिर वह बात समाप्त हो जाती है, वह भीतर से निकलता रहता है। एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है, कोई मार रहा है और वह हंस रहा है, एकदम सुख का अनुभव कर रहा है, आनंद का अनुभव कर रहा है। ये कारण कि वह भीतर से भरा हुआ है, भीतर में आनंद का स्रोत उसका खुला हुआ है। तो हम आनंद की बात करें, ज्ञान और आनंद। तीसरी बात है शक्ति, शक्ति। एक शक्ति हमारी शारीरिक शक्ति होती है, हम शरीर की शक्ति के द्वारा बहुत काम कर सकते हैं जो आवश्यक है। जो व्यक्ति शारीरिक बल से भी कमजोर होते हैं उन्हें भी पूरा सुख नहीं मिलता, आनंद भी शायद उनका पूरा नहीं होता। एक मन की शक्ति है, जहाँ शरीर की शक्ति काम नहीं देती वहाँ मन की शक्ति काम देती है। मनोबल होता है तो शरीर से दुर्बल आदमी भी बहुत काम कर सकता है, मनोबल नहीं है तो एक हृष्ट पुष्ट आदमी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। तो हमारी मन की शक्ति, और सबसे बड़ी है भाव की शक्ति। हमारा भावात्मक वीर्य, जो आंतरिक वीर्य है, उसका विकास वह बहुत शक्ति है। जहाँ मन को भी बल मिलता है उससे, और शरीर को भी बल मिलता है, मन के आधार पर है। एक मन में ऐसी बात बैठ गई, भाव तक पहुँच गई, समस्या का समाधान नहीं होता। स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रस्थान का यह समय है। हम स्थूल तक न अटके, हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। विज्ञान का लक्ष्य है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और अध्यात्म का भी लक्ष्य है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ध्यान के लिए भी कहा गया स्थूला सूक्ष्मम समालंब्य, स्थूल से सूक्ष्म का आलंबन ले। तो इस दिशा में एकाग्रता के साथ गति होती रहे। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महा
महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे।